ऑफेंसेस को जोड़ा गया जो पहले नहीं थे। यह भी पाया गया कि दोषियों को सजा देने में विलंब होती है या चार्ज इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता है, क्योंकि विक्टिम अथवा विटनेस जो कि पहले ही शोषित है पर जोर दबाव देकर चुप कराने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इस संशोधन द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन का भी प्राविधान हमारी सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय। इतना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार ने यह भी किया है कि पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की राशि में भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है। हमने यह भी प्रावधान किया कि इस कानून को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले सरकारी अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार एससी एसटी के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद यह निर्णय लिया गया कि हमारी सरकार इसके विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी और मैं यह सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह याचिका 2 अप्रैल को अध्यक्ष महोदय दाखिल कर दी गई। लर्नेड अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि रिव्यू पिटीशन पर शीघ्र सुनवाई प्रारंभ की जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताते हुए आज ही 2 बजे से रिव्यू पिटीशन की सुनवाई का समय तय कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार की तत्परता पर किसी प्रकार के संदेश की कोई गुंजाइश शेष नहीं बच जाती। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 मार्च 2018 को आया, इसके उपरांत मात्र 6 वर्किंग डेज के अंदर पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ समस्त प्रक्रियाओं और कानूनी परामर्श की कार्रवाई को पूरा करते हुए 2/4/2018 को केंद्र सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर कर दी गई। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर भी जो तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार। हमारी सरकार एससी एसटी के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें। हमने सभी राज्यों को शांति बनाए रखने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। हमने शांति बहाल करने के लिए राज्यों ने जो भी मदद मांगी है तत्परतापूर्वक उसे उपलब्ध भी कराया है। गृह मंत्रालय मामले पर नजर बनाए हुए है तथा राज्य सरकारों से भी हम लगातार संपर्क में हैं। मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की तथा आपसी भाईचारा बनाए रखने की अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं और साथ ही मैं सभी राजनीतिक दलों से भी अध्यक्ष महोदय अपील करना चाहता हूं कि वह देश की शांति व्यवस्था तथा भाईचारा बनाने में वह पूरी तरह से वह सहयोग करें। धन्यवाद। तो एससी एसटी एक्ट को लेकर, एससी एसटी एक्ट संशोधन को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस पर सरकार की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनकी जानकारी यहां पर दे रहे थे। Thank you.
लोकसभा की कार्यवाही की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यहां पर कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसे लेकर जवाब पेश किया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, SC ST एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर उस पर भी जवाब पेश किया। लोकसभा की कार्यवाही को आपको बता दें कि स्थगित कर दिया गया है और इसी बीच लगातार विरोध के चलते लगातार इस मुद्दे पर बातचीत के लिए वहां पर हूटिंग होती रही। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर बहस की मांग करती की गई और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि यहां पर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल हुए भारत बंद को लेकर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते एक बार फिर से। मैं यह भली भांति समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के मन में व्यापक रोष है। इस केस में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। इस फैसले के विरुद्ध